1700 फीमेल्स को यहाँ पे ट्रेन कर चुके हैं। बाबा की डेथ के बाद मैं सबसे बड़ी हूँ, इस वजह से मेरे ऊपर सबसे ज्यादा आ गया। उसको मैनेज करने के लिए मुझे बाइक सीखना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया। मेरी बेटी का मसला होता था स्कूल लाने का छोड़ने का, मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है पुलिस में, क्योंकि वो बार बार आ नहीं सकते वहाँ। सिटी ट्रैफिक पुलिस ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रही है, कोई एक रुपया भी नहीं इस काम चार्ज करते। अगर शौक और जज्बा है ना, चाहे आप ओल्ड एज भी है तो कुछ चला सकती है, कर सकती है। पहले दूसरे दिन कहती है सर मुश्किल है, शायद मैं भी मैं ना कर सकूँ, तो मैं कहता हूँ कि बेटा ऐसे ना बोलो कि मुश्किल है, यू कैन डू इट, आप करो, आप कर सकते हो, और वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशा वान। नाज़रीन, आप जैसा कि मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, वाओ ख़वातीन के साथ मौजूद हैं वुमन ऑन व्हील, और आज इनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने बाइक चलानी सीखी, क्या मोटिवेशन थी, क्या मुश्किलात का सामना है, और कैसे जो है ये बाइक जो उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट जो है क्लियर करती हैं, कितनी देर में करती हैं, क्या क्या सीखती हैं, क्या क्या ज़रूरी है, आइए इन सब के बारे में इनसे जानते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ, और ये मैं बाइक से उतर के बाइक को स्टैंड करूँगी। नज़रीन, क्लास भी हो रही है, क्लास की तरफ मैं आपको बाद में लेके चलूँगी, पहले जो लड़कियाँ राइड कर रही हैं उनसे पूछते हैं, उनके साथ थोड़ी राइड लेते हैं मैं भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूं। क्या नाम है आपका? जी सजदा। सजदा, बाइक चलाने का ख्याल किस तरह आया, क्या जहन में आया? बाइक चलाने का ख्याल इस तरह आया कि हमारी फैमिली में एक बाइक है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम है, लड़कियों को खुद डिपेंड होना चाहिए, अच्छा, क्या नाम है, चलानी चाहिए। अच्छा। और किसी को कहना पड़ता था कि ये चीज़ ला दो, वो चीज़ ला दो, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या नाम, मुझे खुद से बाइक चलानी आनी चाहिए। कितनी देर हो गई सीखते हुए? मुझे 2 मंथ हो गए हैं। तो अभी चला लेती हो कि नहीं? इन अब बहुत ज़्यादा मुझे बेहतरी हो गई है, अभी रोड पे मैंने एक मरतबा ही चलाई होगी। मुझे पीछे बिठा के चला लोगी या गिरा दोगी? चला लोगी। अच्छा सजदा, क्या मतलब ये जहन में है कि लड़के हरास करेंगे या सीटी मारते हैं लड़कियों की, या एटीट्यूड? कोई बात का फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता जी। इंसान को लड़के जिस तरह आप चला रहे हैं बाइक्स, मुझे लगता है कि लड़कियों से बेहतर चला सकती हैं। अच्छा। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम नहीं होना चाहिए, जो मर्जी आपके साथ बोलता रहे कि क्या नाम है, कि है वो है, लड़कियां चला रही हैं। अच्छा। किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फैमिली सपोर्ट करती है? जी, मेरी मदर ने कहा था क्या नाम है तुम चलाओ। अच्छा, चलें ठीक है। साजिदा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और साजिदा के साथ अभी मैं राइड लूँगी, बाकी लड़कियों के साथ भी मैं, साजिदा तो देखते हैं सही चलाती है नहीं, और बाकी लड़कियों के साथ भी राइड लेके देखते हैं कि सही चलाती है या नहीं। अच्छा, वैसे इनकी तरफ देख के मुझे भी बहुत शौक है कि मुझे भी बाइक चलानी आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कुलसुम। बताएं, आपके गाड़ियाँ तो लड़कियाँ चला लेती हैं, वैसे तो आप जहाज़ भी उड़ा लेती हैं लड़कियाँ, लेकिन ये कि बाइक अभी तक हमारे सोसाइटी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि लड़कियाँ बाइक चला सकती हैं, वो सब घूर के देख रहे होते हैं कि वो बाइक चला रही है, तो वो कभी डर नहीं लगा इस चीज़ से? नहीं, कभी नहीं लगा। तो क्लास में क्या सीखती हो, जो आपको ट्रैफिक के हवाले से आगाही सिखाई जाती है, मतलब ये क्लास में देख रही हूँ सामने आपकी क्लास हो रही है, इसमें क्या सीखती हो? इसमें सर रूल्स बताते हैं हमें। अच्छा। इशारे बताते हैं। अच्छा। कि यहाँ पे रुकना है, और सारे इशारे एहतियाती लाजमी और मालूमाती सारे समझाते हैं। कुलसुम, कितनी देर होगी ये सीखते हुए? ये इसी मंथ मैंने स्टार्ट किया। तो अब चला लेती हो सही तरह? जी। मुश्किल तो नहीं हुई चलाते हुए, सीखने में मुश्किल तो नहीं हुई? कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल ईजिली। और मुझे पीछे बिठा के राइड कर लोगी? चलिए, मैं इन सबके साथ ये कह तो रही हूँ कि ये राइड कर लेंगी, लेकिन मैं देखूंगी कि ये राइड कर भी सकती हैं कि नहीं। अब आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या नाम है आपका? हीरा न्यास। हीरा, बाइक चलाने का ख्याल किस तरह आया, और ये जहन में सोचा या किसी ट्रैफिक वार्डन ने बताया कि रास्ते में अगर हूटिंग होगी या कोई इस तरह आपको तंग करेगा तो उससे कैसे निपटना है? बाइक चलाने का ख्याल इस तरह है कि घर की ज़रूरियात, बाबा की डेथ के बाद मैं सबसे बड़ी हूँ, इस वजह से सबसे ज़्यादा आ गया,
उसको मैनेज करने के लिए मुझे बाइक सीखना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया। खुदा ना खास्ता अगर घर में कोई बड़ा नहीं होता तो और पेरेंट्स को लेकर जाना पड़ता है, वालदा को लेकर जाना पड़ता है हॉस्पिटल या कहीं और, तो इसके लिए मेरा बाइक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें सिखाई जाती है वो यही है कि हमें बताया जाता है कि यहाँ पे आपने माहौल को कैसे फेस करना है। बाहर जो लोग हमें हरास करते हैं या कोई ऐसी वैसी बात करते हैं उनको कैसे फेस करना है, सबसे ज़्यादा सारा हमें इसी चीज़ का बताते हैं कि आपने माहौल को कैसे फेस करना है। और आपने बाइक चलानी है, आपको आपने लोगों को नहीं देखना, आपने सिर्फ अपना काम करना है, इसलिए आपने बाइक सीखनी है क्योंकि आपको ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर हम रोड पे आपने देखा हम बस स्टेशन पे खड़े हैं, बस स्टॉप्स पे खड़े हों, लोग देख के आवाज़ें कसते हैं, अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, बाइक पे भी करते हैं, बाइक पे अगर हम उनको इग्नोर करें और अपने काम से काम रखें तो हम कर सकते हैं, हम चल रहे हैं, हम चला रहे हैं। अच्छा हीरा, जब घर वालों को पता चला कि अब हीरा बाइक चलाएगी या हीरा का इरादा है कि वो बाइक सीखेगी, सपोर्ट किया किसी ने फैमिली में या सबने यही कहा कि नहीं नहीं घर बैठो ये क्या कर रही हो, इस तरह तो नहीं करते, क्या कहेंगे लोग कि ऐसा? वालिद साहब के बाद वालदा है, वालदा ने सपोर्ट किया तो मैंने सीख रही हूँ। अच्छा, अलबत्ता मेरे जो कजन्स वगैरह थे, कजन्स वगैरह ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया, लड़कियाँ बाइक नहीं चला सकती। अच्छा, और जब मैंने चलाना शुरू की मैं सबसे पहले गिर गई। जब मैं गिरी मुझे चोट लगी, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप जो है ना, मैंने तो पहले ही कहा था लड़कियाँ नहीं चला सकती और ये देखो ये गिर के आ गई, चोटें लगवा के आ गई। और उसके बाद भी मामा ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, गिरते हैं शह सवारी में दाने जाते हैं। मामा ने ये बात मुझे की और मुझे मामा ने और हौसला दिया जिसकी वजह से मैंने दोबारा से चलाना। मतलब आपकी मदर की, आपको मामा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो अभी घर में, मतलब यहाँ पे तो आप सीख रही है, इसके बाद घर में चला लेती हो कभी किसी? चला लेती हो, अल्लाह का शुक्र है। कहीं आना जाना हो, किसी दोस्त को लेना हो, छोड़ना हो, या अपनी सिस्टर को कॉल से मैं ही ड्रॉप करती हूं। और अगर मुझे कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं हीरा को कॉल कर सकती हूं कि हीरा प्लीज मुझे यहां से पिक करके ड्रॉप जरूर कर लें। चलिए अब हीरा से बात की, अब आइए चलते हैं। एक बड़ी क्यूट सी इन्होंने बेटी भी बिठाई है, देखते हैं कि इनकी बेटी है और क्या ये भी सीखती आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नाइला नवीद। नाइला, मतलब लड़कियां तो चले हैं, मतलब बच्चियां हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एक शौक भी होता है, थोड़ा वो उनमें जज्बा भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये शादी के बाद, बच्चों के बाद अब क्या ख्याल आया कि अब बाइक सीखनी चाहिए? ये सबसे ज़्यादा मेरी बेटी का मसला होता था, स्कूल लाने का छोड़ने का। मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है पुलिस में, क्योंकि वो बार बार आ नहीं सकते वहाँ से। अच्छा अच्छा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे उन्होंने किया कि आप बाइक सीखो, तो मैं बहुत डरती थी, मैंने कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी। अच्छा। तो मैं बहुत डरती थी, जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस और हौसला मिला कि मैं चला सकती हूँ। अच्छा। जैसे ही मुझे चलानी आई, अभी मैंने रोड पे भी चलाना शुरू कर दिया। बेटी को स्कूल से लाना अच्छा और छोड़ना वो मैं ही करती हूँ। मतलब आपने सीख लिया इतनी कि आप उसे स्कूल से लेके ला भी सकती हैं? जी। अच्छा, तो आपकी बेटी से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मामा के साथ सीखती हुई हो बाइक? नहीं सीखनी आई, शौक नहीं है सीखने का? चलें, ये भी अपनी मामा के साथ आती हैं, बच्चे भी आते हैं, और बच्चों को ये भी बड़ी वुमन एम्पावरमेंट है कि उनको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, वो जहाँ चाहें वो इजीली जा सकती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें घर के किसी मेल मेंबर को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता, और फुली इंडिपेंडेंट हैं वो, और वो कहीं भी आ सकती हैं और जा सकती हैं। और अब हम क्लास में चलते हैं और हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन जो है इरफान साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह की आगाही ज़रूरी है, और क्या समझते हैं वो कि एक लड़की भी उसी तरह ही बाइक चला सकती है जिस तरह एक लड़का चला रहा है। तो आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि लड़कियों में भी वही जोश और जज्बा है या वही कॉन्फिडेंस है जिस तरह लड़कों में मौजूद है, तो है क्या लड़कियां भी उसी तरह ही बाइक चला सकती हैं जिस तरह लड़के चला सकते हैं? मैडम बिल्कुल डेफिनेटली, बल्कि इनका जोश अपना बॉयज से ज़्यादा है। अच्छा। ही ज़्यादा शौक से सीखती हैं। अच्छा। क्योंकि इन पर पाबंदी भी होती है, लेकिन इसके बावजूद आप देख रही हैं इनका जोश जज्बा, ये आपके सामने बैठी हुई है, इन पे हमारी मेहनत तो लगती है लेकिन अच्छा। उसकी एफर्ट्स जो होता है उसका फ्रूटफुल होती हैं, रोड पे आपको काफ़ी नज़र आ रही होगी। अच्छा। अब तक हमने 1700 फीमेल्स को यहाँ पे ट्रेन कर चुके हैं। अच्छा। और माशाल्लाह उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, उनकी सेफ्टी का बहुत ही ख्याल रखा जाता है, उन्हें सेफ्टी के मतलब बार बार बताया जाता है। अच्छा। कि आपने हेलमेट वेयर करना है, सेफ्टी किट वेयर करनी है। अच्छा। और उसके बाद अपना ट्रैफिक अवेयरनेस उन्हें दी जाती है। ठीक है। जैसे आप ये देख रही हैं साइन बोर्ड, यहाँ पे उन्हें इशारों के मतलब बताया जाता है। अच्छा, ये मतलब ये इशारों के? जी जी,
हमारे जो ट्रैफिक के इशारे हैं, लाजमी हैं, एहतियाती हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, ये सारे इशारे इन बच्चों को सिखाए जाते हैं ताकि रोड पे कोई मसला ना हो और बाकी रोड की अवेयरनेस के मुतालिक बताया जाता है कि रोड पे आपने कैसे मूव करना है। हरासमेंट के मुतालिक बताया जाता है कि रोड पे आपके लोग हरास भी करेंगे लेकिन आपने अपने काम से काम रखना है, आपने अपना बाइक पे ध्यान देना है, बाइक और फोकस आपका रोड पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लोगों की तरफ लोगों के नहीं, ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब आपको हैरेस किया जाता है या आपको हूटिंग की जाती है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा अपना डिफोकस हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्लास में हर तरह की एज ग्रुप मौजूद है, आपसे बड़ी भी मतलब लेडीज़ खवातीन हैं जो कि आपसे सीख रही हैं, उनको सिखाने में तो कोई मसला नहीं होता जब आप उन्हें कहते हैं कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना? हमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा। हम पिछले 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं और आपको बताया कि 1700 फीमेल्स को यहाँ ट्रेन कर चुके हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं मुझे ये बताने में खुशी होती है कि आज तक कोई एक नॉट ए सिंगल केस, कोई भी जख्मी नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे ट्रेनिंग देते हुए भी कोई भी जख्मी नहीं हुई क्योंकि हम SOPs के मुताबिक चलते हैं। कभी कोई अगर SOP से आगे पीछे होता है तो मैं बच्चों को डांट भी देता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है कि डांट भी देता हूँ लेकिन प्यार से भी समझाते हैं कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप हेलमेट नहीं वियर करेंगे तो आपको हिट होगा, बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि आपने घर पर भी जाकर ये एजुकेशन आगे एजुकेट करना है। अच्छा, कोई इरफान साहब ऐसी लड़की मिली जिसे बाइक चलानी नहीं आ रही और फिर आप कहते हैं कि ये नहीं बाइक चला सकती? कोई 17 मैडम, नथिंग इम्पॉसिबल, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो आती हैं 70% या 50% फीमेल्स ऐसे कहती हैं कि सर मैं नहीं कर सकती सर, और मेरा ये उनसे होता है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट इजीली, और फिर और वो करती हैं ये आपके सामने काफ़ी ये मोटिव लेकर आएंगे सर, पहले दूसरे दिन कहती हैं सर मुश्किल है, शायद मैं भी मैं ना कर सकूँ। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि बेटा ऐसे ना बोलो कि मुश्किल है, यू कैन डू इट, आप करो, आप कर सकते हो, और वो करते हैं डेफिनेटली। इसका कोई क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है आपने? बिल्कुल, हमारे ऑफिसर्स ने SOPs बनाई हुई है। अच्छा। कि 18 ईयर से हवा भेजो। अच्छा अच्छा, क्योंकि 18 अंडर एज को तो हम खुद नहीं चलाने देते, टीन एजेस को तो हम बहुत सख्ती से रोकते हैं, बल्कि हमारी वो एजुकेशन टीम इस पे काम करती है कि टीन एजेस ना चलाएं, 18 ईयर से हवा हो। अच्छा, और 50 ईयर से कम हो। अच्छा, 50 ईयर से कम और 18 से अबव। जी जी, 50 ईयर से कम हो और 18 ईयर से अबव। और एजुकेशन कोई मैटर करती है या कोई नहीं, भी एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपने अपना सिंपल आईडी कार्ड लेकर हमारे पास आना है, ठीक है, और 2 पिक्स लेकर आनी है। अच्छा, हम फॉरन एडमिशन देते हैं। आप एडमिशन और कितनी देर में सिखा देते हैं? 1 महीने में, 1 महीने का कोर्स होता है। अच्छा, तो 1 महीने में डेफिनेटली इंशाल्लाह हम ट्रेन कर देते हैं बच्चे। अच्छा, इरफान साहब आप सिखा रहे हैं बाइक चलाना, इसकी कोई फीस भी होगी, कोई कीमत भी होगी, तो कितनी फीस लेते हैं? मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रही है, कोई 1 रुपया भी नहीं इसका हम चार्ज करते हैं। अच्छा, मतलब बाइक्स भी आपकी हैं? बाइक्स भी हमारी हैं, फ्यूल भी हमारा है और इस पे जो मेंटेनेंस आती है वो भी हमारी है। अच्छा, सेफ्टी किट्स भी हमारी हैं। और फिर भी कोई फीस नहीं ले रहे आप? जी बिल्कुल, कोई फीस नहीं है, हमारे सीटीओ साहब ने ये सख्ती से मना किया हुआ कि किसी से 1 रुपया भी चार्ज ना किया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो बहुत ही सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा इकदाम है कि आप किसी भी चार्जेस के बगैर आपने बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं होते। जी, अब हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है क्लास में जो कि सीख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाइला है। नाइला, किस तरह ख्याल आया बाइक सीखने का? कुछ मैं मैरिड हूँ और समझ ले कि शादी के बाद ज्यादा जरूरत पड़ती है। अच्छा, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है, मैं लॉयर भी हूँ साथ। अच्छा अच्छा, और उधर भी जाना, कोर्स में भी जाना, फिर बच्चों को स्कूल से पिक करना, फिर उनको अकेडमी से छोड़ना, लॉट ऑफ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो फिर मजबूरी भी हुई, फिर शौक भी हुआ, मैं इधर आई और इधर आके मैं शौक में आई, 1-2 दिन तो फिर मैं थोड़ा सा घबरा गई कि मैं नहीं कर सकती, नहीं हो सकता। बट इनका जो इंतजामी एडमिन इतने अच्छी हैं, सर इतने अच्छी हैं, उन्होंने मुझे करेज किया उनका कि नहीं आप सीख सकती हैं, आप बिल्कुल जिस तरह दूसरे बॉयज चला सकती हैं आप भी चला सकती हो, बस आप थोड़ी सी करेज करो। उन्होंने मेरे करेज को गिरने नहीं दिया, मेरे अंदर एक नया शौक पैदा किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह चला सकती हूँ। तो अब बाइक रोड पे चला लेती हैं? हाँ जी, अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ। अच्छा, कितनी देर होगी? मुझे 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ हो गया सीखते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीने में सिखा देते हैं। सिखा और देते। ये है कि लेडीज में सबसे बढ़ के ये है कि यहाँ पे आपको करेज नहीं देने देते। अच्छा, हम बाहर निकलते हैं, हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लोग हूटिंग करते हैं, लोगों की नजरों का सामना करना पड़ता है, हमें वो भी गाइड किया जाता है कि आपने अगर अपनी भलाई चाहती है वो सब चीज़ को इग्नोर करें, हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, एवरीथिंग हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। फोकस रहता है,
जी हाँ बिल्कुल, और जो हमें कमी होती है मैं तो अपने सर इरफान से ही कहूँगी कि बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारी जो कमी है ना वो पूरी की है, हमें फेस करना सीखा। मतलब अब आपको कॉन्फिडेंट है और आपको मज़ा आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आ रहा है, बल्कि और लेडीज़ को भी मैं इनक्रेज करती हूँ और उनको कहती हूँ कि आप ज़रूर सीखें और ये हमारे लिए अच्छा है। अगर आप देखें धक्के खा के भी बसों में जाना या आपने क्या कहते हैं बर्डन उठाने हैं फीमेल्स के लिए, तो वक्त की भी बचत होती है और आपके लिए बहुत सहूलत है, आना चाहिए लेडीज़ को। थैंक यू सो मच नाइला, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और दूसरी लेडीज़ से भी जानते हैं कि क्या वाकई शादी के बाद बहुत ज़्यादा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं और ज़रूरी है बाइक सीखना। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आपका। आप तो मुझे बताइएगा कि क्या ज़रूरत आपको पेश आई, ज़रूरत थी, शौक था या मजबूरी थी, किस तहत मतलब आप आई? मतलब ये तीनों चीज़ें समझ लो कि शौक भी और मजबूरी भी और ज़रूरत भी। ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी? घर में कोई नहीं है ना इसलिए, तो फिर वो अगर भाई हैं तो फिर आपको पता है कि अगर कोई काम पे चला जाता है या पीछे से कोई काम आ जाता है, एमरजेंसी ऐसा काम होता है कि जिसकी वजह से कोई पास नहीं होता, फिर खुद जाना पड़ता है, तो बजाय इसके कि भाग के या कोई कन्वेंस ले या कोई और चीज़ ले, घर में खड़ी है तो फिर चलानी आती है। तो मुश्किल नहीं हुआ सीखने में? नहीं नहीं, थोड़ी सी तो हुई थी। अच्छा, अगर तो कहते हैं कि लड़कियां तो चला सकती हैं, अब थोड़ी सी अगर ज्यादा उम्र हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है, या लड़कियां वैसे नहीं चला सकती? अगर शौक और जज्बा है ना, चाहे आप ओल्ड एज भी हैं तो फिर चला सकती है, कर सकती है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम बाकी लोगों से जानते हैं कि उन्हें कैसा लगता है सीखना या उसके बाद करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाइक क्या नाम है आपका? सना। सना, बाइक चलाने का ख्याल कैसे आया, शौक थी शौकिया? हमारे कॉलेज में विजिट आया था, उन लोगों ने हमें ना इधर का बताया कि इधर बहुत अच्छा बाइक्स खाते हैं लेडीज़ को, ऐसे फिर हम दो स्टूडेंट इधर आए, उसके बाद जब हम आए इधर हमारे साथ और भी काफ़ी स्टूडेंट्स इधर आए कि हम भी सीखेंगे, हमें बहुत मज़ा आया इधर, सर भी बहुत अच्छे हैं, मैम भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा गाइड करती हैं हमें, और हमें हफ्ता हुआ है तकरीबन इधर आते और हम काफ़ी ज़्यादा सीख चुके हैं। अच्छा, अच्छा। और इंशाल्लाह हम 15 दिन तक ट्रेन हो जाएंगे कि हम बाइक चला सकेंगे रोड पे। अच्छा, तो इसके अलावा क्या मोटिवेशन थी, मतलब अभी बाइक्स पर आपने रोड पे चलाना शुरू नहीं किया? नहीं, चलाना शुरू की क्योंकि हम अभी आए हैं, हमें थोड़ी देरी हुई है इधर आते हुए। तो सही समझ आ जाता है? जी समझ आ जाता है, सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं। जी करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा अच्छा, कॉलेज के बाद आते हैं उसके बाद। अच्छा, कॉलेज पढ़ के फिर आ जाती हो? जी कॉलेज के बाद आते हैं। तो क्या लगता है कि कितनी देर में चलाना सीख जाओगी? 15 दिन तक इंशाल्लाह सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। के वो 15 दिन में, कहते हैं 1 महीने में फिर बंदा सीख जाता है, और आप जो है 8 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग है, 8 बजे में 4 बजे तक जो सा भी स्लॉट आपके पास अवेलेबल हो, जब आप इजीली आ सकती हो तब आप आ सकती हैं, और 1 घंटे में जो है रोज आपकी क्लास होगी और आप सीख सकती हैं। चलिए हीरा के साथ देखते हैं, हीरा ने कहा था कि मैं आपको पीछे बिठा के बाइक चला सकती हूँ, चलिए हीरा मुझे गिरा ना देना बस, चलिए मैं आपको पकड़ लूँ, कलमा पढ़े। नहीं बैठती, गिरा ना देना। अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया? अच्छा हीरा, ये मुझे ये बताना कि जो पीछे बैठी होती है उसके लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है कि नहीं? बहुत ज़्यादा जरूरी है उनके लिए भी। अच्छा, मतलब जो पीछे आपके बैठी हुई है उसके लिए भी जरूरी है? खुदा ना खास्ता कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, पीछे वाला कुल, तो उसके दोनों की हेड इंजरी से बचने के लिए हेलमेट का वेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हीरा सड़क पे चला लेती हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो हीरा को बुलाया करो, हीरा मुझे अपना नंबर दे देना। जी जी जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच हीरा।
जी नाजरीन, अब मेरे आप इर्द गिर्द देखते हैं कि लड़कियां प्रैक्टिस कर रही हैं बाइक पर, बाइक चलाना सीख रही हैं, और मेरे साथ मैम रज़िया मौजूद हैं। ये उनसे जानते हैं कि कितना टफ़ है लड़कियों को ट्रेनिंग देना या बाइक चलाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम, ये टफ़ भी है लड़कियों को बाइक चलाना, ये इजीली मैनेज कर लेती हैं? टफ़ नहीं है, बस ऐसे है कि हमारी लेडीज़ जो हैं वो घर पे रहने की वजह से साइकिलिंग उनको नहीं आती, ठीक है, और जो रोड कॉन्फिडेंस है वो उनमें नहीं होता, वो हमारी सोसाइटी की वजह से। तो घर पे रहने की वजह से ये लोग अगर साइकिलिंग नहीं करेंगी और बाइक, तो फिर साइकिल अगर दो व्हील के ऊपर इनको हैंडल करना आ जाएगा तो उसके बाद फिर उनके लिए आसानी होगी। अगर आपको साइकिल नहीं चलानी आती आप बाइक चलाना नहीं सीख सकते, ऐसा दुरुस्त है क्या? बिल्कुल भी ऐसा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी लेडीज आती हैं वो घर में साइकिलिंग नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे आके हम उनको पहले उनका बैलेंस इक्वल कराते हैं कि वो ठीक है, उसको सीधा करके दो पहियों के ऊपर चलाना ज़रा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको हम पूरी प्रॉपर सेफ्टी किट के साथ हम उनको पहले प्रैक्टिस कराते हैं कि आप लोग इसको पहले मैनेज करें, हैंडल करें कि आपने इसको संभालना किस तरीके से, ठीक है, उसके बाद फिर वो चलाने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा रज़िया, क्या पैगाम देना चाहेंगी उन औरतों के जो घरों में बैठी हैं आपको देख रही हैं लेकिन चलाना चाहती हैं बाइक, और किसी मजबूरी से या ये समझ रही हैं कि वो चला नहीं सकती, तो इन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम यही है कि अगर आपने फेस करना है सोसाइटी को, अगर आपने रोड पर ट्रैवल करना है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी है भी नहीं जिसकी वजह से आप घर पे बाउंड हो गई हुई हैं, आपको कोई लेके आने जाने वाला नहीं है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ हमारे पास स्कूल में आएँ और हमसे ये बाइक ट्रेनिंग लें। थैंक यू सो मच रज़िया, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, बिल्कुल अगर आपकी कोई भी मजबूरी है और अगर आपके घर में आपके भाई या अब्बू या कोई ऐसा मेल मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद भी है लेकिन आप उसके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो आप चलाएं, बाइक चलाना सीखें, गाड़ी चलाना सीखें, स्कूटी चलाना सीखें, और आज की औरत जो है वो जहाज चला सकती है, तो ये तो चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ़ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।